अपने चैनल प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है। और श्राद्ध चलन लग रहा है तो श्राद्ध हम सुन लगी एक कहानी है भी ये श्राद्ध कदू चालू होया के कारण होया। तो भाभी तो है संग संग एक दो कहानियां कट्ठी आई अंदर भी धर्मगी जड़ हरी कठा दिखा है कह तो सारा ही देख भी धर्मगी जड़ हरी है। तो आ सारी कहानी सुनियो और सुनने खातर थे हमारे चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लियो, लालड़ी घंटी को बटन दबा दियो। बार बार रिक्वेस्ट करा थारा गए। तो अब मैं थाना कहानी सुनाऊं जो कि एक दानवीर करण की है। और जद ही श्राद्ध चालू एड़ा है तो हुंकारो जरूर लगाइयो, कहानी बीच में ना छोड़ियो। और श्राद्धा श्राद्धा मां भाई हर घर में ही पितर हुए भाई दादा परदादा च लेड़ा हुआ है तो बंग घर में एक बार आ कहानी 16 दिन हम जरूर सुननी चाहिए। सिर्फ कहानी सुननी है ना कि इंगो की देनो लेनो करनो है, कथा जरूर सुननी चाहिए। तो राजा करण है तो बिंगी के ही कह हमेशा ही जब भी गंगा स्नान कर गया तो सुबह सुबह ना गए सूरज उग तो भी टेम वो जरूर दान करे कर तो जो भी बिगन याचक या भिक्षा कर या कोई पंडित ब्राह्मण जो भी गरीब जो भी आतो नहीं भी ने वो जो भी करना हो तो या सोनो चांदी तो वो लेके जाओ तो रोजी रोज और न हो तो आप अगला में की पेरेड हो तो वो भी ने दिया ही दिया कर तो वो कदी खाली कर तो नियम हो तो वो क्या कर तो सोना ही मोरा लेके जाए कर तो नान जाऊं तो बड़े तो सोनो बड़े बांट गया हूं तो सारे ब्राह्मण मांगना रा भिक्षार्थी सब ने दे देते। लेकिन एक बुजुर्ग सो ब्राह्मण हो वो क्या कह कर तो वो जिया ही बिने वो टक्को सोना रो दिया कर तो मोर दिया कर तो वो क्या कर तो कह धर्मगी जड़ा जीव है तो वो बिने करण के कर तो दो दे दिया कर तो हमेशा ही और आने एक एक सारा ने अरबी ने दो दे दिया कर तो अभी ने दो दे दी जब सारंग होगी बात हो जाना है जलन तो जे आपस में ईर्ष्या होगी आपस में बैर सो हो भाई देखी बुढ़ी तो जुड़ती को नहीं थी जगह तो दो दे दे आपा ने एक एक दे दे बांग लाल सो हो गया बाइया सोचो ये बुढ़ी ने कुकरी वो तो बोलो सही हो बुढ़ो तो वो तो ज्यादा समझदार या ज्ञानी पंडित हो को नहीं तो बिने उलझान खातर बाइया कहो कह भाई महाराज एक बात है थानू का आज मेगा दान दिए थे वो बुजुर्ग सो आदमी है जो को आवाज को थानी या कह धर्म की जड़ है रही है तो बिन या कह नहीं बाहरी जड़ दिखा तो सुरी मैंने हरी जड़ दिखा सुरी कट्ठा होगी कह कद होगी बेरो तो कोई नहीं कह हुआ कने हुआ है तो बिने तो बूढ़ी है तो बेचारा ने वो शुरू में भिक्षा मांगनी शुरू करी जद बिंग दादा परदादा कहो कि बेटा आशीर्वाद का रूप में जे तन्ना कोई की देवा नहीं तो यहाँ कह दे कर धर्म की जड़ हरी वे तू और टप्पा तो तू भूल जाएगो अरे एक टप्पो ले लिया करो इतो वो तो शैणो इतो ही शैणो जो बन के करो वो कह दिया करो तो अब बिन तो भैया ताप चढ़ गई दूसरे दिन करणवीर यहाँ कहो राजा करण कह भाई साधु महात्मा थे यानी जो को नाम लियो धर्म की जड़ हरी वे पामन दिख ही घटा है के भी रो पड़ा हुआ हरी है को नहीं कह तो दूसरा दूसरा कह दियो कि भाई मैं महीने बाद में बताऊंगा था महीने दो महीने का कोई नहीं लेता टेम दियो तो सारा भी यही आवे सुबह सुबह तो भी यही वो आवे डॉक्टर डो तो आवे यार धर्म धीरे सीखे जे धर्म की जड़ हरी है आगे गिरी उठ जे पैकी थोड़ा बहुत सोना का टक्का भेड़ा हो गया छोरा ने देखे बोलियो कि बेटा मन तो बेजुगो मैंने बेरो हाथ को नहीं अर ई मैं गाड़ी में पिटा के मारा गो राजा मन तो अर तू उड़ जा नगरी छोड़ गए तन्ने भाई सो भाई अनक दर्श देखनो कौन पड़े ईशो मारो काम देखनो कौन पड़े तेरे देखता देखता तेरे बाप की अभी पिता हो जाएगी तू यहाँ करे चले जा तो पूछो कि ओ कह मन को बिल्कुल साफ हो और बिंग अंदर खुद के अंदर प्रतिभासी लेकिन वो ज्ञानी को नहीं हो बिंग खुद के अंदर अच्छा विचार आ तो वो छोरो के चालियो गामू निकलियो आप गए थोड़ा बहुत सोन रंगा टका टका ले करने गामू निकलियो निकलन लागियो तो एक बुजुर्ग आदमी बिन्नी भी रा डांडी जा तो पहली के बतला लिया कर तो कमाई तो थे कि न जाओ का बेटा मैं तो इन गुणा रा जाऊं का गुणा रा ही मैं जाऊं मेरे सागे हो लियो बापा अच्छा अपना सागो जो थोड़ी दूर चढ़ा उतरी हो जाएगी पेंड सोरो कट जो
जब वो बुढ़ी विंका नहीं देखा देख चढ़ा उतरी मैं की घोड़ो हूँ और कह तू कद कुकर जी भाई चढ़ा उतरी कुकर जी देख तू कह तू मेरा मोडा चढ़ा वो कह मैं तेन चकूंगा तो कह तू मन या मन मैं सोचतो सोचतो कई दूर चल गया बतला बोकरिया रहा गरबी दी बतला ली डंगर पशु की बतला ली चल गया रस्तो कटियो आगे गया जो देख छोटो सो या कोई नदी सी या फिर खाड़ो मान लियो छोटो सो ही हो कोई वो पार करनो तो भी ना बने भी खड़ा हो पैर राखी बने बाम मना रहा बेटा अरे बने वो बूढ़ी है जगह जुत्ती पैर राखी तो बने बूढ़ी है तो आपकी जुत्ती खोल दी जुत्ती खोल गया तो मैं ले ली सिर पर मेल ली अरे धोती ऊंचो कर गए जाना गिल्ला ना हो जाए कपड़ा भी घुमा खटी पियो अरे वो छोरो की है बिंग काठ की खड़ा हुई वो पैर गए खड़ा हुई पैरे पैरे अरे पजामो पैर ना टिप गयो के की है सूख जो थोड़ी देर आने तो वो ये सोचो दे तो किसो को सागो मिलियो जो किसो उम्र को मिलियो पहली तो कापा दादा चढ़ा उतरियो जावांगा अब वो देख तू भाई जो खुसरा पैरे पैरे नदी पार आगे गया जो देख बोलिया कह दादा कितनी दूर और सर रहा अगलो गांव आओ अभी मापा भी सुनी लेवांगा रात ने रुकांगा अरे बैठे किंग करे आप मांगतांगे भिक्षा रोटी खावांगा की करो मांग के का ठीक है बोले दादा चर्चा रोटी मांग लियांगा जो का पा दोनों दापे खा लियांगा दो दिन का ठीक है बेटा देवा का विषय ले लियांगा आप तो यहाँ कर गए चाल पड़िया गांव में बढ़ता है बोले तो भाई मैं तो दो जरा आमान चर्चा रोटी दे दियो तो वो बोलिया गांव मारो बोले चर्चा रोटी दे दियो क्यों मर पाऊ आए तू कह मेरे खेत माली है तू तो तन चर्चा रोटी दे दियो है गजबर को जुआन है 80 साल का बुढ़िया का सारा का सागा फिर है शर्म को नहीं आता ना खेत खड़ा में काम कर धंधो कर डांगर डोर को कर तन रोटियां पी दिया लोग ललकार दी दूसरा गर्मिया बोले आप चर्चर कौन मांगा दादा दूध दो मांग लिया खमांदो ना दो दो दे दियो दूसरा बोले क्यों बाती है होगा मार दो दो दे दियो तीसरा गर्म बोले माने एक एक ही दे दियो बोले कोई को नहीं एक उनको आधी है ऐसा ऐसा जुआन या कुंगर सा मांगता फिर बोकरो थे चौथा पांचवा सारा ग्रामिया क्यों माने एक दे दियो भेदो आधी आधी खा लिया पानी पी के सो जाओ कड़ी को नहीं बोलिया कह जाओ कह मारे गांव में तो कह मैं मंगने आ रहा देवा ही को नहीं गए कह ठीक है तो फिर अगे मैं बोलिया भाई के करा वो बोलियो बुढ़ियो बोलियो कहीं रस्ते ही चलना आप गया मारो गा मासी भाई नह दी तो नह दी है बिसुनी तो जो देवा आ रहे कह पा रोटी पानी खावा तो आराम करा रोटी पानी खाएड़ी कौन क्या बिसुनी करा चल आगे चलना आगे जावा जे है टापली सी हरा पर खेता में डहनिया सी वजह की टापी सी मान रेड़ी झूंपड़ो मान जड़ो फिर एक दो कोई गा बकरी एक दो कोई टबरिया फिर रे कोई लुगाई रे एक आदमी खंकारो कर गयो बुढ़ी अगन गयो बोले भाई के जागो सो गया का सोया तो कोई नहीं दादा अभी तो जागा आजो का के जावा मैं तो नहीं या रा गिरा अरे अगला गांव जावा जद भूखा ही तो गया तीसा ही हो गया अर माने एक रोटी पड़ी है तो दे दियो के एक रोटी क्यों पड़ी है दादा रोटी तो बना के दे सिया था ने तो बने जुगो भी लुगाई है जुगो अच्छा आनंद हुआ ने जुगो भोजन कर लियो अच्छो छा दूध दही गाल गए रोटी जमाया दाप गए जिसोर हो गया अच्छो हाथ पर पेट फेर गए रबान आशीष दे दिया दो ना दे दी चलन लग गया चलन लग गया जब सोरो के कह कदा दा कहा कबो तो उजड़ गा मरो बसू गा मो चके कह दे तू किसो मूर्ख है मूर्ख है बड़ा सो गराज को तू उजड़ लग गयो इने हर ये गरियो डांटती है ई माई कोठी को नहीं तो सीधो झुंपड़ी हो है जो कोई इन बसू गा मे लाग गयो के करा मूर्ख तो सगो ही दूर हो जे के इया करता करता घरेन चार पड़िया घरेन चार पड़िया पहली के सीधा सीधा घर होता गा मावे बिंगी सामे बिंग झुंपड़ो और यहाँ बार 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 सीख रही आ गए के फरसो लगाड़ो तो बोले दादा कि तो रह गयो थारो घर तो मेरो घर तो वो ही है सामने दिखे नहीं हो फरसो अच्छा जो बड़ बठू चक्के बाठो और भी फरसा धड़ी दादी मारियो जो कि कहीं न ले गए तो आगे बावला डेरे ने यार कुकर पार पड़ेगी देखो देखो कह अभी तो कह मेरे जो को बाठो ही मारी वे घरे छोरी है रोटी पानी खाओ केड़ा कितना दिन रुके कुकर जाओगो अरे इन्हें बावड़ा डे मन में करके बुढ़ी और इतन बा छोरी आ जाए छोरी आगे कुआड़ खोल दे कुआड़ खोल दे जो बोली कह जो कह मैं बापू पानी लियाऊ वह पानी ले दो गिलास सामने एक मैं बापू दे दिए बापू मुँह मां दोगे पानी पीने लगियो पिछोरा गिलास पकड़ा जो बोले पानी काचो पाको
बाबुली भाई कच्चो ही है। तो वो बुढ़ियों मां गयो भी छोरी खन क्या बेटा मेरे तो 2 दिन हो गया वो केड़ा के मूर्ख पल्ला पड़ गयो जो को रस्तो ही तो दोरो कटियो और सारी रस्ती तो मेरी खोपरी खा गयो। अरे मैं तो शी सी बताऊं गले चका के बात ही बेटा दादा बताइयो का पापू के बात ही है ना। आ बात तो घनी सुनी पूछी के पानी तक तो देखे कच्चो पाको का आ सुनी के पूछी पानी में के कच्चो पाको है का पिताजी ने यह पूछियो का भाई यो पानी जलाना आरी ब्याहड़ी है कुआरी कच्चा पाछोरी कोकला शास्त्र पढ़ेड़ी कोकला शास्त्र पढ़ लेता नहीं जे क्यों ताब इतो तो मनी बेरो कोन की हो लेकिन कहन मावे कहानिया में कभी छड़िया कोकला शास्त्र पढ़ेड़ा तो बी सु के वे का पक्षियां की तो आवाज भी जान जे आवाज समझ में आ जे कोकला शास्त्र पढ़ेड़ो हुआ जो अरे चारों दिशावांग हो बिने सुगन बेरो पड़ जे पर इली दिशा में जाए या सही हो सी इली दिशा में गलत हो सी सारो भी कोखला शास्त्र हो जाए। अरे सुगन ले लिया और एक बैक एक रह का गलग मन की समझ जाएंगे मन मेलो है कि आत्मा शुद्ध है कि इतो समझ दे इतो ज्ञानी वे तो बात छोरी इतनी ज्ञानी तो बात छोरी बोली बाबा मन बताएंगे रस्ते में तेरे साथ के बात आखरी कह बेटा गाँव चल लिया जदो मन मिलियो जदिया बोलियो कह दादा थे इला पास जाओ तो मैं इला पास ही चलू आपा चढ़ा उतरी हो जावांगा चढ़ा उतरी के मारे कन डांगर पशु हो भी पर चढ़े कह बेटा दादा पिताजी इंगो मतलब हो का अपन मतलब थोड़ो सो पेंडो कट जेगो एक दूसरे कदी मैं कहूंगा कदी थारी सुनूंगा कदी थे सुनो अइया का मतलब पाता ही करांगा का चफे तो छोरो सियाणो है भाई। फेर बोलियो कागज जाए आज देख नदी सी छोटो खाली सो बिंग मा के टिपिया ओ तो खुसरा पैर की टिप गयो मैं तो का जुत्ती खाड़ की टिपियो कह पिताजी देखो का कपड़े को हर जुत्ती को की कोन बिगड़े शरीर का अगर कोई बाठो है सांप पड़ोटियो सो वे बिंग मा पानी में काच वे लाग जाए तो पग घायल हो जाए आदमी को कोनी के कपड़ा सूख गया हिंगा कह फिर तो छोरो सियाणो है। फिर कह ओ भी गांव में इया बोलियो कहो तो उजड़ गांव है जका माने रोटी कौन दी बिम 100 घर जखन तो आ जका एक ही डाणीर भी में कोई बंग रहन दे जिया झोपड़ी मार रखी सीधे छपरिया से बैठा भी खातरो कह बसु गांव है कह बसु गांव क्या ने कह पिताजी बसु गांव वो ही है आए गए गो आए गए रिश्तेदार भाई बंदे कोई भी वह जका पाहुना हुआ जगह गया पा इज्जत करा बिना रोटी पानी को पूछा मेहमान ने रोटी पानी को पूछा बो वह बस्यू घर उजड़ घर तो भाई वह जगह सीधा थाने टपा टप उतर दे गए सारा टपा दिया जो उजड़ गामी है का फिर तो छोरो सियाणा का फिर बेटा एक बात और बता का कि कहना है जो तुम्हें 100 कदम ले रही मैंने पूछियो को ओ घर की हुआ है मैं कह दियो मारो ही है और बठू बाठो चक के रे अपनी खिड़की के मारियो कह पिताजी पहली ठाटो हुआ है जाके सीधो खुल जाए कुंटा डोरा तो हुआ कोनी ए खुल जाए जिदा करा नानक गई रहा व्यवस्था हुआ कोनी लुगाई पिताई माँ नामती हुआ और हुआ सिरगा बोदौती हुआ तो शर्म आवा थाने भी आवार इन्हें भी आवार मनी आवार अब बन बाठो मार दियो थी इतनी दूर चाल गया तेने मैं मेरी नाई दोई करे कपड़ो लतो पहन लियो कहा बात सही है तो बेटा मैं तो बुढ़ो हो रहा हूं और ओ छोरो सियाणो है तू या करी साग ब्याह करा ले और मैं कह मेरी भाई जकी है उम्र है अभी मैं सुखू जी लूंगा मेरे ओ कर्तव्य पूरा हो जाएगा तेरे ब्याह ना रहो और जगह पिताजी ठीक है थे था ना सही लगे भी छोरे ने ब्याह दियो तो तीसरे दिन छोरो पाछो चार पड़ियो चल पाछो चाल पड़ियो भी बाप का तो मिन्नो यो ही कोनी है पाछा आ गया करे मेरे बाप का बेटा तू तो पाछो आ गयो मेरे तो अस्ताई मिन्नो ही कोनी है यो तो बस छोरी आ गए सामने रोटी बनाई सब ने जिमाया भी बेटा पर भी आदमी ने आप जिमीर कोई कुत्तो बिल्ली हो बने जिमाया भी सुसरे ने कर गई सुसरे तो मुई कोनू कर आठी पाठी लिए सुत्यो दिन गया फिर रोटी बनाई सब ने चोको पोतो कर गए छोरी सियाणी होती चोको पोतो कर गए फिर ससुरा ने बोली पिताजी रोटी खाओ पिताजी तो आए को ठसु मसु कौन करे पिताजी तो वो ही वो डर हो तड़का यार परस्यू आगे के करस्यू यार मेरे तो कह मन तो गाणी मैं पिटाई मर देखो राजा के जवाब देऊंगा तो बोली पिताजी एक तो मेरा आया थे इतना दुखी हो जो तो फिर मैं चली जाऊं
थे तो बाप बेटो सुखी रहो के ना बेटा, फिर उठ्यो बाजगे, फिर ना बेटा छो मैं तो राजी हूं तू आ गयो, तो मेरा मेरे जाए पछे मेरे छोरा री मेरी फिक्र कौन रही, भाई इन्हें कौन रोटी टुकड़ो देगो, कुकरो बिलमियो करेगो, इन्हें तो सही हो गयो काम, घर पे छिड़ो रह गयो। कह तो थे इतना चिंता हम क्यों करो, आ बताओ। कह बेटा मैं तो दिन गए दिन गया कर राजा करण नान जावे, अरे बैठा नहीं दान करे जो बैठा, मैंने वो टक्को देवज मैं भी नहीं कह दी हूँ धर्मगी से रविवज, वो बने एक टक्को और दे दिए, दो टक्का सोना का रोज दे दिया, जो दे सागा रहा कर लगा दियो राजा ने। कहीं नहीं है तो पूछो महाराज, महाराज करने कह भाई बाहरी की जड़ी गठा दिखेगी। कल इतनी सी बात खाते पिताजी थे यही सुते हो, लियो मैं बताऊं थाने थे यही करियो, का के करना कभी नहीं है कह दियो करण में, का तेरे अस्तबल हुए जो को जठे घोड़िया मंद है बठू तेज तेज घोड़ी ले ले, अभी परासन गद्दी गदरा सारा लगा ले, अरबिंगी लगाम छोड़ दे बी पर बैठ जा, अरबी ने ना तो तू हाँ कही ना ना कही, आ चल भी ती चरण दे तो भाई वाह घोड़ी ये पून बरगी चालती भी सी, वो घोड़ी पर चढ़ गयो करण तो वो बैठे गयो बने बने कह दियो, अगला दिन वो तो राजी राजी गयो, पहन पोत सारू आगे ही जाए खड़े हो गए, बोले भाई पूरन की जरिए है क्या, 2 ही दिन रहे क्या, 2 दिन क्यों आज ही बता दी हूँ तेरे, देखो देखी गुड़साल में जा और तेज तेज घोड़ी बज जाए भी पर काठी लगा गद्दी गदरा लगा के मोहरी छोड़ दे बिंगी बा, लगाम लगाम छोड़ दे आ दी ना लगाई लगाम ना बोली, जठा भी लज्जे को नहीं बैठे तेने पुनगी जर हरी पावगी करेंगे तो गयो या मन में जान भाई सच्ची कही बुढ़ी है तो चाल देखा, उत्सुकता होगी मन में ये नहीं है बस गदगद हो गयो, चढ़ गयो जागे करे आपको काम धन सुबह रो पूजा पाठ करीर भी घोड़ी पर चढ़ियो, मान लियो पिला पिलाण भी पर चढ़ियो, आ चढ़ गए घोड़ी छोड़ दी, घोड़ी पून दाई बगी है एक जंगल दो बन कजली बन सारा बन पार कर गए, बिया बान सब पार कर गई, तो रास्ता में मिला भी ना सी बगेरार तो भेड़ियार रीछ भालू सब नवा घोड़ी पार कर गई, बने एक गई हाथ पोनी आई बिन कहड़ो करने के, न तो तू इन्हें ललकारी घोड़ी ने ना तू बोली ऊपर बैठे बैठे वो देख बोकरियो, अरिया लाओ बोकरियो आज तो बुढ़ी हो केड़ा किशोक तने वो धर्म गिजरारी दिखाओगो, इन्हें जो ठाकुर जी महाराज जी सोचो जाना देख तू कह बजे हो चाल ही पड़ियो, अरे तन देखने जो फिर आगे जागे कदरा वन आवे कदरा वन भी कदरा वन में भगवान गो आछो सियासन लाग रियो, अरे हरिया पेड़ बांग हीरा पन्ना जड़े नीचे सोना गो मिर्ग चरे, अरे सोना मिर्ग चरे देखते देखे जो सोना का सियासा नेर इंदर की परिया नाच गालन लाग रही, देखे इंदर तो चुंबित हो गयो, कैसो तकड़ो है कि हरी जड़े तद गयो जो वो भगवान आप मिल गया, क्योंकि भाई करण तो इतो दान पुन करेड़ो और इतो ज्ञानी आदमी जो इन्हें मिलना ही है भगवान ने, तो भगवान मिल गया आपकी सारी कक्ष दिखाया ठेठ ताई स्वर्ग लोक सारों की दिखा दियो, इंदर रघोरा जनसो दिखा गेर करण ने पाछो, बोले किरण बोलियो भाई मेरे जी कौन करे, कर ना ना जी कौन करे, इं आड़े ने रखा कौन ऐतने आड़ो पड़ा कुछ दिलाओ, आले भाई करण की इच्छा पूरी होगी घरे आगे भी ने ब्राह्मण ने भाई भगवान की पूरी देखी आयो, द्वारका दीस की पूरी देखी आयो, जागे ब्राह्मण नाचो धन दास दियो सो की आपको मंत्री उपद दे दियो भी ने, सो की दे दागे विद्या करियो भी भूगे कारण आयो, तो फिर है जो को वो अभी तो करण राजा करण ने तो ले आया भाई जमगा दूतर ले गया राजो जो जाके सियासन पे बिठा दियो, सियासन पे बिठा दियो क्यों धर्मपुन करेड़ो खूब हाची गुआ सिया सब कुछ करेड़ो, पर बड़ा अनाज को नहीं डिग लाग रही सुनने को, इन्हें तो करण ने तीस लाग गई इन्हें लाग गई भूख है भूख तीस लाग गई, जो बोले महाराज मैं खाऊं के खाओ तो भाई तेरे की देड़ो वाज खावार सोनो पड़ियो खा ले के सोनो तो मेरे गणो, मैं तो सोचो सारो कीमती चीज तू बांट है भैया, दाणो फाक के तो सारी दुनिया ही बांट है पानी पुनी तो तू बांट हो, तो मैं तो इया करके सोनो बांटे और मन तो सोनो ही सोनो डिग पा गया आगे करूं के, तो करण ने भगवान बोलिया के भाई अब तो जो को ले रहा दे गया वह नहीं पोई आगे मिले, कह तो महाराज
एक विनती मेरी और सुनो भाई, मैं इतो करियो है थारो कत के कमन में थे, 5 दिन मांगिया दो, 7 दिन मांगिया दो, कितना ही दो, मैं घर नीचे जाऊंगा, अब अनाज को पानी को दूध को ही चीज की करूंगा। ने तो बोले तन्ने इतना कौन दिया, तन्ने दियांगा 16 दिन, तन्ने पुन्नू ने भेजांगा, रुमाउस ने ले आवांगा, और जक्का के अंदर 16 दिन अंदर तू दान पुन करागो नहीं, जो को तन्ने तो मिला, जो को मिले हो तेरे दादा परदादा, तेरे वंशज है नहीं, तेरा पितर है, वाम सारा नहीं मिला। तो भाई आगे करण तो लोग यहाँ करण ही लागे, आगे करण कल चल तो करण ने चल गयो, करण चल गयो, तेने बिन पाछो सांस आ गयो, सांस आ गयो, फिरन लाग गयो, सारा बन तो गा में अनाज गौशाला में दूध घी पानी सोखी बहुत बांटियो, बहुत बांटियो। तो हो गया 16 दिन पूरा, 16 दिन पूरा हो गया, ऊपर चलियो गयो भाई, चलियो गयो स्वर्ग लोक में, बड़ा जागे भाई, आछो देखा तो खीर गिज गया खीर, सेही गिज गया सेही, दूध गिज गया दूध, आटा गिज गया आटो, सब्जी दलियो सब कुछ आ गया तैयार, पायो मणियो मनायो सुसुओं ऊपर घालना रहा परोसना रहा घनाइया। तो फिर बोलियो महाराज जमराज ने, का एक बात और मानो मेरी थे, का मैं तो भाई धर्मराज हो, जब मैं पाछो गयो और आइयो धर्म भाई गितो करियो चाचो, थे हरेक नचिया कौन जान देगा, कह है यहाँ तो कौन जान दिया, कद यहाँ कौन जान देगा। तो बने फिर बापड़ा ने जेब ऊपर नीचे दान ने करो है भाई, बाई चांस ही बांगू पहली गो कोई पानी गो घड़िए गो आटा गो दाने गो ग्यारस गो क्या कोई ने करो है, तो बह तो भूखा ही मरता ही है तड़पता ही रहेगा, बांग खतर कोई सिस्टम बिठाओ ऐसो जगह भाई बानना भी मिले। तो बोलिया कह भाई करण ते बहुत अच्छी चीज मांगी है, जो को तू ए 16 दिन गया नहीं, बा मैं कोई सरदा बाग हूं आपके पितरां खातर, 20 दिन या उमा उस पुन्यु ने करेगो नहीं, तो बो बांगा कोई चलेड़ो पितर होगा नहीं, बिने मिलेगो भी बो बाई भी ना ही कर गया है कि देनो लेनो, तो बिने मिलेगो तो बिंगा जोगो पेट भरण जोगो बीखने जाओगो, कागला रोटी देवेगा बिना दिन गा ने रोटी देवेगा, कीड़ी निगरा पर गेरेगा चिड़िया देवेगा, और एक ब्राह्मण जिम्मा तो श्राद्ध और श्रद्धा भाव प्रेम का भाव ना कि यहाँ का जापान करनु अखाड़ू पाड़ू करके, तो बहुत है बिने बिना पितर वेगा भांगा कर गान जरूर मिलेगा। तो बहनों भाइयों आ कथा ताने की सीख लगी है, आई वो माने कमेंट करके बताइयो, और सब बड़ी बात है का अपना आपका पितरंगा श्राद्ध सदा भाव और प्रेम भाव गालना चाहिए, चाहे थोड़ो बोलो जिसो वह भी सो जरूर करना चाहिए, वो दिन रखना चाहिए, और बिंगे यही कहना चाहिए कभी मारा पितर है ऊपर, जे कोई भूखो तिसो कोई कमी रेड़ी है नहीं, तो भगवान बांगी पूरी करो तो पूरी करेगा, करण को वरदान मांगे रहा है पूरो हुआ को, तो जरूर करना चाहिए सारा ने। राम राम, और हमारी कथा किसी के लागी कमेंट करके जरूर बताइयो।